थोड़ा नाम का प्रयोग किया गया, जैसे खेसारी लाल यादव पे लगा था आरोप, उस तरह लग रहा है काकू बलुआ पे लग जाएगा आरोप, तो बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी तो। हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ फिर अपने चैनल पे SH न्यूज़ पे। दोस्तों आप लोग को ताज़ा तरीन खबरें बताने वाला हूँ, काकू बलुआ का कौन सा नया सॉन्ग आया है दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बताएंगे। और दोस्तों एक गलती कर चुके हैं काकू बलुआ, वो भी बताएंगे क्या गलती कर चुके हैं दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि एक सॉन्ग निकाले हैं काकू बलुआ सोना मोना, दोस्तों एक गलती इसमें किए हैं जो आप लोग को बताएंगे दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बनेगा। और आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि वो गाना किस चैनल पर मिलेगा आप लोग को सुनने के लिए, उसमें क्या अच्छा है क्या ख़राब है आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों गाना सुन के। और आप लोग उस सॉन्ग को जाके सुनिए, सोना मोना जो है फास्ट हिट म्यूजिक पे आप लोग को वो सॉन्ग मिल जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। लेकिन उसमें थोड़ा नाम का प्रयोग किया गया, जैसे खेसारी लाल यादव पे लगा था आरोप, उस तरह लग रहा है काकू बलुआ पे लग जाएगा आरोप, तो बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी उभरते हुए कलाकार काकू बलुआ सोच रहे हैं कि किसी के नाम पर गाना गा लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें, नाम ही को लेकर विवाद हुआ था एक बार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह और तमाम कलाकारों में, जो चाची की बाची सपना में आती है उसी उस गाना को लेकर विवाद हुआ था। तो आप लोग को ये कैसा मेरा जो रहा प्रभाव, और आप लोग को वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही रहा कि गाएँ तो कृपया किसी का नाम लेकर ना गाएँ, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। और भोजपुरी के आप उभरते हुए कलाकार हैं, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, मतलब आपके लिए मैं बता रहा हूँ अच्छा बात। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काकू बलुआ भी देख सकें हमारे वीडियो को। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और SH न्यूज़ को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।